जय हिंद। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए, जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधन हुए उसके बारे में जानेंगे कि संविधान में अभी तक आज तक कितने संशोधन हुए हैं। वैसे 104 हो चुके हैं लेकिन हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। आज तक जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए ना क्वेश्चन अमेंडमेंट से, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ बताएंगे जो जो पूछे गए हैं, ठीक है, और जो पूछने के चांसेस हैं ऐसे भी क्वेश्चन बताएंगे जो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ 104 नहीं बताने वाले लेकिन आप लोग को इतना बताने वाले कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट संविधान में संशोधन हुए हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और यहाँ पर हम इसको सिक्वेंस वाइज में इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो संविधान का जो संशोधन है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो ये जो हमारा आर्टिकल्स है ना, ये हमारा आर्टिकल्स मेंशन है 368 में। संविधान का जो संशोधन है वो हम लोग 368 आर्टिकल यूज करके पार्लियामेंट में हम लोग इसको संशोधन बिल पास करते हैं, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 368 में ही आप लोग, हम एक बार क्लास में पढ़ाए थे बेसिक स्ट्रक्चर में, यूट्यूब में ये वीडियो पढ़ा हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का, उसमें ये हम बताए थे कि जो आर्टिकल 368 है उसमें क्या कभी संशोधन हुआ है। बिल्कुल हुआ है, ठीक है। कब हुआ है, कितना टाइम्स हुआ है, तो दो बार हुआ है। कब कब हुआ है, आपको मालूम है कि जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, ठीक है, 24th अमेंडमेंट लेकर आई थी, उसमें ये बोला गया, उसमें बेसिकली क्या पॉइंट रखा गया था, दो पॉइंट रखा गया था। हम बोले थे कि आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 को जोड़ा गया। आर्टिकल 13 ये बात करता है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसमें फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता हो, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 368 में जोड़ा गया था, 368 की बात कर रहे हैं, 13 बात नहीं कर रहे। 368 में क्लॉज 4 को जोड़ा गया, सॉरी क्लॉज 3 को। इसमें ये बोला गया कि पार्लियामेंट पास वो सारा कुछ पावर है कि वो संविधान को संशोधन करके, आर्टिकल 368 को संशोधन करके उसमें जो क्लॉज 3 जोड़ा गया उसके तहत जो भी कानून बनेगा, जो भी नियम बनेगा, जो भी कानून बनेगा वो आर्टिकल 13 के तहत भी आएगा, ठीक है। ये हम बता चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर वाले क्लास में, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो आर्टिकल 368 है, फर्स्ट टाइम तो ये बार हुआ 24th, अच्छा ये टाइमिंग कब था, कौन सी ईयर था, तो 1971 था, ठीक है। तो 24th जो अमेंडमेंट है वो 1971 में आया था, उसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 को जोड़ा गया, उसमें ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो क्लॉज 3 को जोड़ते हुए आर्टिकल 368 को अमेंड करते हुए आर्टिकल 368 में अमेंड कर दिया गया, ठीक है। ये तो ऐसे अमेंडमेंट का पावर ही देता पार्लियामेंट को, लेकिन इसी को अमेंड किया गया और ये बोला गया इसमें जो भी कानून बनेगा वो आर्टिकल 13 में भी आएगा। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 ये बोलता है कि पार्लियामेंट पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता है, ठीक है, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है, ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड टाइम कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया, ठीक है। अगर आप यूपीएससी भी कर रहे हो ना, स्टेट पीसीएस, एसएस, एसएससी और भी जितने एग्जाम्स हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप यूपीएससी भी करेंगे ना तो क्वेश्चन यहाँ से जितना आने वाला है सब कुछ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 368 में ये बोला गया, सबसे पहला अमेंडमेंट ये हुआ, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड में कब हुआ, सेकेंड आपका हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976। आपको याद होगा इसमें भी हम बताए थे, इसमें पार्लियामेंट अमेंड करते हुए ये बोलती है कि पार्लियामेंट पास अनलिमिटेड पावर है। 368 को यूज, जो पार्लियामेंट यूज करती है 368 का आर्टिकल्स का, उसके अंडर में अनलिमिटेड पावर है। इसके जस्ट बाद ही आपको मालूम होगा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, उसमें ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट पास आर्टिकल 368 का यूज करने के लिए अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड पावर है, ठीक है। कौन सा केस था आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर जो लोग लेक्चर देखते हैं ना कमेंट कर सकते हैं कौन सा लेक्चर, कौन सा ये जजमेंट था, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो 368 आर्टिकल है संविधान में उसको दो बार अमेंड किया गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो आर्टिकल 368 है या जो अमेंडमेंट का जो पावर है वो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 368 में आता है, ठीक है। कौन सी ये पार्ट में आता है, तो ये पार्ट 20 में आता है, ठीक है, ये पार्ट 20 में आता है, ठीक है। पार्ट 20 आर्टिकल 368 कितना बार अमेंड हुआ, दो बार अमेंड हुआ, कब कब, 24th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक पॉइंट और, कि संविधान को अमेंड करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, ठीक है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट सेकेंड जो जो अमेंडमेंट हुआ। तो सबसे पहला कंडीशन ये चाहिए कि इसमें देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें स्किप करेंगे तो फिर आप लोग फिर इसको यूज करते हैं। यस, देखिए पार्लियामेंट जो है ना 368 को कैसे यूज करती है, जब संविधान में संशोधन होता है तो क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहला चीज़ देखिए, लोकसभा बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा टोटल प्रोसीजर, ठीक है। लोकसभा में अगर जितना प्रेजेंट है, सपोज कीजिए अभी कितना सीट है लोकसभा में, सीट 5,
सीट की हम बात करें, 552, ठीक है, सीट। अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है 104/2020 में, उसमें ये बोला गया कि एंग्लो जो इंडियन है उसको हटाया गया, ठीक है, एंग्लो इंडियन का सीट को हटाया गया, या तो 552 सीट अभी भी है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्ट्रेंथ क्या है, मतलब तो मैक्सिमम जो है ना इसमें कितना इसमें जो मेंबर्स है वो फुलफिलमेंट हो सकते हैं, फील हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे 550, ये स्ट्रेंथ, कितना सीट है, क्योंकि अभी जो दो सीट है ना वो एंग्लो इंडियन के लिए हटाया गया है, ठीक है, जो दो एंग्लो इंडियन है उसके जगह पर कोई MPs आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दो सीट को हटा दिया गया, सीट अभी भी है लेकिन उसका जगह एंग्लो इंडियन नहीं होगा, उसके जगह पर कोई और आ सकता है, अभी आगे कुछ भी हो सकता है, MPs तो बढ़ेगा ही, ठीक है, MPs ही बढ़ेगा। तो 550 स्ट्रेंथ है, क्वेश्चन का ये पूछा जाए स्ट्रेंथ कितना, अगर सीट पूछा जाए उसमें ऑप्शन अगर दोनों हो, ठीक है, और सीट बोला जाए 552 आँख बंद करके, ठीक है, और अगर बोला जाए स्ट्रेंथ तो 550, ठीक है। तो लोकसभा में संशोधन करने के लिए क्या प्रोसीजर है सुन लीजिए, 50% प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ ये तो शॉर्ट में बताएं, आप लोग जब नोट्स बनाएंगे ना तो बस इसका शॉर्ट में लिखना है, समझा दे रहे क्या ये क्या चीज़ है। देखिए पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं टोटल, अभी मेंबर्स हैं 545, ठीक है, 545 मेंबर्स हैं, तो 545 के 50% 545 के 50% कितना हो जाएगा अप्रोक्स, ये हो जाएगा अप्रोक्स 273 मार्क्स चलते हैं, ठीक है, ये होगा ना, तो 274 मार्क्स चलते हैं, ठीक है, इतना मार्क्स चलते हैं, 3 वैसे सही था, 3 सही था, 273, ठीक है। तो ये वोट तो चाहिए चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा क्या चाहिए कि उस दिन पार्लियामेंट में जितने प्रेजेंट हैं, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसके 2/3 वोट, सपोज कीजिए पार्लियामेंट में उस दिन जिस दिन अमेंडमेंट हो रहा है उस दिन जो बिल पास किया गया उस दिन सपोज कीजिए 300 जो है ना MPs प्रेजेंट हैं, उसके 2/3 कितना हो जाएगा 200, ये हो ना, इसके 2/3 कितना हो जाएगा 200, तो 200 हो गया आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग 200 जो प्रेजेंट है, और 50% हो गया टोटल मेंबरशिप का 50%, यानी 273, मतलब ये दोनों साथ में नहीं है, ठीक है, ये दोनों साथ में नहीं है, ये कंडीशन, ये अलग कंडीशन थी, यहाँ प्लस कर दिया अलग चीज़ है, 50% तो उधर के चाहिए 273 एटलीस्ट, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि पार्लियामेंट में 273 तो कम से कम एटलीस्ट होना ही चाहिए, अगर 273 अगर मेंबर्स नहीं होंगे तो 50% जो है ना ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगा, ठीक है, 273 ही नहीं होगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, यानी इसमें क्या बोले 50% जो है ना 273 जो आपका वोट है वो होना चाहिए मेजॉरिटी, और 300 सपोज करते 300 ऐसे 300 होता नहीं है, ज़्यादा ही होता है उस दिन, तो अगर इतना है तो कम से कम आपको 2/3 होना चाहिए, ठीक है, ये प्रोसीजर है पास करने का, ठीक है, ये तो अलग सा टॉपिक, मतलब अच्छा इसको बोलते क्या है, इसको बोल अगर इस तरह की वोटिंग हो इसको बोलते स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। एक तो लेक्चर इसमें भी हो जाए कि कौन कौन से टाइप्स के मतलब बिल पास होते हैं, कितने टाइप्स के किस तरीके से होते हैं, तो वो एक अलग लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यस फर्स्ट अमेंडमेंट, जो सबसे पहला संशोधन होता है ना इसमें क्या बोला जाता है, इसमें ये बोला जाता है कि हम आप लोग मालूम है कि ओरिजिनली जो है ना भारत के संविधान में कम से कम 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है, चलिए एक सेकेंड, 8 शेड्यूल थे, इसमें जब 9th जोड़ा गया, और 9th जब जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में उसमें ये बोला गया था कि इसमें अगर कोई भी, ठीक है, ये तो बाद में जोड़ा गया था वैसे, ठीक है, ये बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन्होंने इसमें ये जोड़ दिया कि इसमें कोई भी अगर कानून या कोई लॉ इसमें रखते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू का कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता इसमें। लेकिन जो 9th शेड्यूल था ना इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था ये बेसिकली किसके लिए था, तो ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स के लिए था, ठीक है, नाइन्थ जो शेड्यूल था वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए था, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ पंचवर्षीय योजना जो बना था 1951 में, इलेक्शन सबसे पहले 1951 में हुआ, और उसी टाइम गवर्नमेंट को ये नीड हुआ कि मेरे पास जितना ज़मीन है उससे ज़्यादा ज़मीन तो लोगों के पास है, ज़मींदारी सिस्टम बेसिकली हट चुका था ऑब्वियसली बात है, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स का डिमांड था क्योंकि सरकार पास लैंड नहीं था, रोड रेलवे हाईवे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स को लाना पड़ा, और उसके लिए 9th शेड्यूल को इसमें पुट करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10th शेड्यूल, इसमें ये बोला गया, 10th, देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे सर सेकेंड थर्ड कहाँ गया, इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना अमेंडमेंट से टोटल क्वेश्चन में छानते हुए
छानते मतलब खंगाल मारते हुए अच्छे से सर्च करते हुए ये हम देखें कि सेकेंड थर्ड फोर्थ आज तक पूछा नहीं गया है। जब देखिए इसमें है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बड़ा बड़ा अमेंडमेंट है, जो बिग है, जो मतलब जिसका जिसका जो डिमांड है, जिसका वैल्यू है, ठीक है, उसी को मतलब उसी क्वेश्चन पूछा गया। आप एक चीज़ आप ही पूछते हैं, ठीक है, 104 आपको मालूम होगा, 104 अमेंडमेंट क्या था उसमें, उसमें ये था एस सी एस टी के लिए एक्सटेंशन था 10 साल, ये ना 103 भी मालूम होगा, ठीक है, ई डब्ल्यू एस कोटा, 102 मालूम नहीं होगा, क्यों मालूम, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट का है तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए जो लास्ट है, अभी के लिए चार लास्ट जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही 10 साल के बाद जो अगर आपके जो जनरेशन में पढ़ेंगे तो उसके लिए 102 इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो 10th इसके सी ए ए सी ए मतलब जो नारा लगता है वो नहीं है, यहाँ पर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसमें क्या हुआ आपको मालूम है कि जब सरदार पटेल को ये कार्यभार दिया गया कि आप जो है ना 565 जो रियासतें थी उनको एक करने का, तो उसमें से 565 रियासत में से ये दादर नगर हवेली भी एक था, जिसमें रियासतें तो नहीं था लेकिन यहाँ पर जो था ना यहाँ पुर्तगाली का कब्जा था, पुर्तगाली, ठीक है, और ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे थे, पुर्तगाली के कब्जे कहाँ कहाँ पर था, तो गोवा में भी था, दमन एंड दीव में भी था और दादर नगर हवेली में भी था। लेकिन सबसे पहला जो ऑपरेशन चला कौन सा मालूम है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय को चलाया गया था किसके लिए, तो दमन दादर नगर हवेली को उसको फ्री करने के लिए, किससे, तो पुर्तगालियों से फ्री करने के लिए। जब ये अलग हुआ ना, जब ये अलग हुआ तो इसी के जस्ट बाद एक साल के बाद आपका 12th अमेंडमेंट होता है, जब जिसमें बोला गया, जिसमें गोवा एंड दमन एंड दीव इसको भी शामिल किया गया। आप क्वेश्चन पूछेंगे सर तीनों साथ में छोड़ा गया कि तीनों को अलग अलग छोड़ा गया, देखिए जो पीछे वाला जो छोड़ा गया ना, ये ऐसा तो नहीं है कि पुर्तगाली मतलब अभी ही मतलब बोला गया ऑपरेशन में चला गया और उन लोग तुरंत बोरिया बिस्तर बांधे चले गए, ऐसा नहीं है, ठीक है, उन लोग टाइम लिए, प्रॉपर एक टाइम लिए, ठीक है हम लोग जा रहे हैं अच्छे से जा रहे हैं, इसके जब टाइम लिए तो सबसे पहले यहाँ छोड़े, जब इसको जब छोड़ा गया तुरंत इसको इंडिया से इंटीग्रेट कर लिया गया। जब इंटीग्रेट हुआ, देखिए भारत में जब शामिल करना है किसी दूसरे मतलब पार्ट को तो संविधान में संशोधन करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। जब ये हुआ ना, जब अमेंडमेंट हुआ, सरकार ने भी सोचा कि पहले ये खाली क्या, पहले इसको कर लेते ऐड, ठीक है। जस्ट उसके एक साल के बाद गोवा एंड दमन दीव यहाँ से भी पूरी तरीके से खाली करके जा चुके थे पुर्तगाली, ठीक है, इसलिए इसको अगले साल इसको ऐड किया गया, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं आप लोग, मतलब माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब पुर्तगाली छोड़े तो ये आगे क्यों हुआ इसका, ठीक है, आगे क्यों इसको इंटीग्रेट किया गया, इसलिए किया गया। आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं मकान में रहते हैं, रेंट में रहते हैं, तो आपको अगर बोला जाता है कि आपको रूम खाली करना है, और क्या आप एक घंटा में करते हैं, आपका जितना सामान होगा, और वो पुर्तगाली लोग कब से बसे हुए थे, सबसे पहले वही लोग आए थे, ठीक है, सबसे लास्ट में वही लोग जाते हैं, ठीक, तो सबसे लास्ट में कब गए, 62 के आसपास गए, ठीक है। चलिए 14th अमेंडमेंट, 13 नहीं पढ़ना है, 13 इंपॉर्टेंट में नहीं है, 13 में ये है सिंपल सी बात है जो, अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन, जो गोवा एंड दमन एंड दीव है ना, इसको जब ऐड किया गया ना इंडिया में, जब इसको इंटीग्रेट किया गया तो इसको क्या बनाया गया, यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, क्यों, अच्छा देखिए इसमें एक लॉजिक भी है। अभी जैसे रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली लद्दाख अलग हुआ, लद्दाख को अलग किया गया ना, तो लद्दाख क्या यूटी है, देखिए लद्दाख अभी यूटी है ना, इसके पीछे दो रीज़न है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करते हैं सबसे पहले, इंटरनल में ये है कि अगर लद्दाख में अगर स्टेट होगा तो वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है, जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के लोकल लोग चलाएंगे। लोकल लोग ये भी तो चाह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अलग के अगेंस्ट में कुछ अपना एक्शन ले सकते हैं। वहाँ का गवर्नमेंट क्योंकि वो चाइनीज़ बॉर्डर के सामने है, तो चाइना की गवर्नमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसे नेपाल में कर चुका है, पैसे वैसे देके, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इंसान का नियत ही, और इंडिया में खास कर कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट थी, वो लोग ये चाहते स्टार्टिंग से भी और अभी भी ये चाहते हैं, अगर कोई नया स्टेट बनता है, कोई नया एरिया बनता है, कोई नया एरिया इंक्लूड हुआ या बीच से ही टूटता है, तो उसको सबसे पहले यूटी बनाएंगे। देखिए एक चीज़ वो तो बॉर्डर में था, लेकिन अगर ये मान चलिए कि अगर झारखंड जैसे हुआ, वो तो बहुत अंदर में था ना, उसके पास कोई बॉर्डर लगता नहीं है, लेकिन अगर बिहार का ऊपर का साइड, ठीक है, जो तराई रीजन है, अगर वो एरिया सपोज कीजिए अलग होता है, ऐसे अलग नहीं होने वाला, वो अगर रीजन अलग होता है नेपाल के जो बॉर्डर साइड में, तो गवर्नमेंट 100% उसको यूटी बनाएंगे सबसे पहले। सपोज कीजिए कि जो तराई वाला जो ऊपर रीजन है ना, बिहार कुछ ऐसे है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, और यहाँ ऊपर नेपाल है, तो जो नेपाल वाला जो नीचे वाला जो एरिया है, वो उसको तराई रीजन बोलते हैं,
और यहाँ पर जो है ना तराई भी रहते हैं ऊपर वाला, ठीक है, इसको कुछ डिमांड कर लिए, कुछ तीसरा कुछ मांग एक्स स्टेट, डिमांड हो गया एक्स स्टेट का, और यहाँ पर गवर्नमेंट अगर एक्स स्टेट बना भी दी तो स्टेट पहले नहीं मिलेगा, इसको पहले यूटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेपाल के पास में है, ठीक है, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है तो उसको सबसे पहले यूटी बनना होगा, ये कंपलसरी है, कंपलसरी, कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये कंपलसरी है, ठीक है। उसी तरीके से दमन एंड दीव जब गोवा बना, यूटी जब इंटीग्रेट हुआ उसको यूटी बनाया गया था तीनों को, ठीक है, बाद में इसको स्टेट बनाया गया, जब स्टेट बनाया गया ना उसको भी बताएंगे कौन से अमेंडमेंट में इसको स्टेट बनाया गया, ठीक है। पौंडीचेरी को बनाया गया, इंडिया में इंटीग्रेट किया, अच्छा पौंडीचेरी को यहाँ यूटी बनाया गया था, ठीक है, पौंडीचेरी को यहाँ यूटी बनाया गया था टेरिटरी, ठीक है। यूटी स्टेट डिफेंस क्या है, यूटी में आपका एलजी होता है, स्टेट में आपका गवर्नर होता है, तो एक मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट कहाँ चला गया, यस 21st, ठीक है, 22nd सीए में क्या हुआ था, देखिए आपको मालूम है कि हमारे जो संविधान है ना, हमारा संविधान उसमें 8 लैंग्वेज स्टार्टिंग में था ओरिजिनली, कौन सॉरी 14 था, 14 कौन कौन सा था, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, आपका कन्नड़, कश्मीरी, कौन कौन सा था मेरे दिमाग से निकल रहा है, यस मैथिली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, ये सारे जो थे ना, और संस्कृत, उर्दू, ठीक है, ये 14 हो गए, ठीक है। तो ये 14 आपके थे, आपके 14 लैंग्वेज स्टार्टिंग में थे, लेकिन बाद में इसको 8, इसी में 8 जोड़ा गया, तो अभी कितना लैंग्वेज है, अभी आपका 22 लैंग्वेज है, और कैसे कैसे ऐड हुआ ये भी हम बताएंगे, इसी में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सिंधी जो है ना, सिंधी कहाँ बोला जाता है, लेकिन सिंधी जो लैंग्वेज है ना ये आपका कश्मीर साइड में, ठीक है। सिंध एक आपका एक स्टेट है जो कि आपका पाकिस्तान में, सिंधी के, सिंध के आसपास जो लैंग्वेज उसको सिंधी बोला जाता है, सिंधी लैंग्वेज से। 8 में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 1967 में जोड़ा गया, 21st संविधान का जो संशोधन हुआ उसमें जोड़ा गया, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं 31st में क्या हुआ, 31st जब हुआ 1973 में, इसमें जो लोकसभा का जो सीट है ना, अभी तो 552 है ना, लेकिन पहले क्या था 525 था, 525 525 था, इसको बढ़ा के 545 किया गया। तो क्या भरोसा कि अभी जो 2 सीट खाली हुआ है उसको तो फुलफिलमेंट लोग करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट करेगी 2 सीट एमपी को रख के, और इससे और बढ़ा सकती है, और डिमांड अभी ये बात हो रहा है कि कम से कम एटलीस्ट जो है ना 10% 545 का 552 का 10% जो है ना सीट बढ़ने वाला है। आप खुद सोचिए लगभग 50 सीट तो बढ़ेगा ना, 50-55 सीट तो ये बढ़ने वाला है, और इसमें एंग्लो इंडियन के लिए कोई जगह नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ उस समय क्या होगा, जितना स्ट्रेंथ मतलब ये होता है कि कितना तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी जब 2 सीट के लिए अभी कुछ अलोकेशन नहीं हुआ है कि 2 सीट में कौन आने वाले हैं, एंग्लो इंडियन तो नहीं आएगा, एमपीज आने वाले ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ बोला जाए 550, क्यों, क्योंकि 2 सीट का अभी तक मतलब सस्पेंस है क्या उसमें होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है, इसमें होगी इसमें बात कर लिए, यस 35th में ये बोला गया है कि जो सिक्किम था ना, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, क्योंकि जो पटेल जी थे वो तो काम कर ही रहे थे इंडिया को, तो उस टाइम तो पटेल जी नहीं थे 74 के टाइम में, लेकिन जो सिक्किम था ना वो इंडिया का पार्ट नहीं था पहले, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, और वो कन्फ्यूज ये था, उसको एक डर लग गया, सिक्किम को डर इस बात का लगा क्योंकि 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान क्योंकि लिबरेशन जो हुआ था बांग्लादेश का वो हुआ था, इससे पहले 62 में वॉर हुआ था, तो सिक्किम का एक डर था कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है ना, सॉरी कहीं ना कहीं चाइना है जो है ना, कि मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, इसके लिए जो है ना सिक्किम को आसाम स्टेट का एक एसोसिएट पार्टनर बनाया गया, पार्टनर बोल सकते हैं, एसोसिएट एक पार्ट बनाया गया, उसी के साथ एक अटैच किया गया आसाम स्टेट के साथ, ठीक है, कि आप आसाम स्टेट के साथ में ही हो, जो चीज़ जो प्रोविज़न जो फैसिलिटी मिल रहा है आसाम को आपको भी वही चीज़ मिलेगा, लेकिन अभी तक स्टेट नहीं बना था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट कब बना, इंडिया का पार्ट कब बना ये अलग क्वेश्चन होता है, और सिक्किम को स्टेट होल्ड का दर्जा कब दिया ये अलग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सिक्किम इंडिया का पार्ट बनता है 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 35th में पार्ट बनता है 5th पार्ट, ठीक है, 5 पार्ट, यहाँ 5 है ना, तो इसे याद कर सकते हैं, 35th में पार्ट बन गया, 36th में आपका हो जाएगा स्टेट का ये इसको दर्जा मिल गया, ठीक है। और कौन से स्टेट बनता है, तो 22वां स्टेट बनता है, क्योंकि ऑलरेडी उस समय 21 स्टेट थे और ये 22वां स्टेट बनता है, ठीक है। 39 में क्या है, 39 में ये है, इसमें देखिए आपको ये चीज़ हम बता चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन बता चुके हैं कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है ना वो बेसिक 39th अमेंडमेंट लेके आते कब, जब एक जजमेंट आने वाला था, जब वो एक किसी एक इलेक्शन के केस में जब इनको गुनहगार, जब इनको एक कल्प्रिट माना गया था कि वो कुछ धांधलेबाजी की है,
तो इसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है एक जजमेंट देने वाली थी, और उसी के जस्ट एक दिन पहले 39th अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने ये किया कि जो पीएम है, जो स्पीकर है लोकसभा का, और जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तीनों के लिए जो इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, ठीक है, पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को लेकर जो इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ठीक है, समझ रहे हो। बाद में इसको चेंज किया गया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट केस एक था उसमें चेंज किया गया, तो ये उसमें बदलाव किया गया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, 42nd कहाँ गया ये, 42nd, 42nd में आपको मालूम बहुत कुछ हुआ था। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसी यही वो टाइम था जिसमें प्रीएम्बल में तीन वर्ड जोड़ा गया था, कौन सा, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक आपका इंटीग्रिटी, ठीक है, इसलिए इसको बोला था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब एक सवाल और उठता है इसी में जो है ना, आपका 51A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इसी में ऐड किया गया, कहाँ से लिया गया ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपके, लिया गया USSR, यानी कि उस टाइम था, अभी तो आपका रसिया है, ठीक है, इसी को पहले USSR बोलते थे, ठीक है। और क्या हुआ, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, 42nd ही वो था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी जजमेंट आए थे, क्या था इसमें, इसमें ये था, अभी पीछे हम बता चुके हैं कि इसमें जो पार्लियामेंट है आर्टिकल 368 में अमेंड की थी, और अमेंड करके क्या बोला गया, अमेंड करके ये बोला गया कि आर्टिकल 368 में गवर्नमेंट के पास या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, अनलिमिटेड जो पावर है ना ये बोला गया, लेकिन इसके जस्ट अगले ही केस में, ठीक है, अगले ही केस में जो है ना वो हम आपसे क्वेश्चन पूछे, कौन सा जजमेंट था जिसमें बोला गया कि आर्टिकल 368 के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग सच में अगर लेक्चर देखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं देखते हैं नहीं समझे होंगे तब तो वो अलग बात है। 44th कब हुआ था, 1978 में, इसमें ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है ना, आज अभी के टाइम में क्या होता है, प्रेसिडेंट कुछ भी अगर डिसीजन लेती है ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना उनसे पूछ लेती है, उनसे पूछ लेती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, प्रेसिडेंट अगर चाहेगी तो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कोई डिसीजन ले सकती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूछने की ज़रूरत होता तो इमरजेंसी नहीं होता, ठीक है, आज अभी तो हो ही नहीं सकता इमरजेंसी, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एग्री होना पड़ेगा, और जब सब एग्री होंगे तभी प्रेसिडेंट उसमें मोहर लगा सकता है, ठीक है, हटाने के लिए तो प्रेसिडेंट अपना हटा सकता है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अप्लाई करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का परमिशन चाहिए, ठीक है। चलिए और एक चीज़, हाँ ये तो हो गया, नेक्स्ट 52nd में क्या बोला गया, 52nd में ये बोला गया, इसमें 10th स्केड्यूल, ठीक है, 9th हम बात कर चुके हैं, 1951 में बात कर चुके हैं लैंड रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन 10th में बोला गया आपका कि 10th इसमें जोड़ा गया, किसमें, संविधान में स्केड्यूल, अभी कितना स्केड्यूल है, 12, तो जब 10th को जोड़ा गया ना तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ, ADL, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कोई भी अगर पार्टी है, जैसे बीजेपी कोई पार्टी है वो चाहेगा कि हमको इसमें रहने का मन नहीं है, कांग्रेस में चला गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बीजेपी के तरफ से सीट में, उसके तरफ से इलेक्शन लड़ा, ठीक है, उसके बलबूते और वो चला गया कांग्रेस में, तो नुकसान तो बीजेपी को हुआ ना कि मेरे नाम से वो वोट वो पाया और चला गया कांग्रेस में, तो इसी को कम करने के लिए एक इसमें एक बोलते ना आया राम गया राम, एक हरियाणा के MP था आया राम, ठीक है, वो जो है ना वो एक ही दिन में वो तीन पार्टी चेंज किया था, इधर कभी उधर कभी उधर, ठीक है, तो उसको बोला गया आयराम, जो है आयराम गयाराम की राजनीति, तो उसी को कम करने के लिए, उसी को रिड्यूस करने के लिए, ऐसे एक्टिविटी को ADL लाया गया, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ठीक है, आर्टिकल 10th में ये क्वेश्चन इतना पूछा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस स्केड्यूल में, किससे डील करता है, कौन से शेड्यूल से, क्वेश्चन ऐसे पूछाते हैं, 10th स्केड्यूल में कौन सा प्रोविजन है, ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछ देंगे, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि 10th एंटी डिफेक्शन लॉ किस ईयर में आया था, ठीक है, आपसे ईयर पूछा जाएगा, सबका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आप जब भी हम जो मार्क किया हम बोल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम देखे क्वेश्चन ऐसे, उसी ईयर में 53rd में ये हुआ था कि मिजोरम जो स्टेट था उसको 23rd स्टेट बनाया गया, इसमें कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ, मिजोरम बनाया गया। 55th में ये हुआ, 1986 में अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न स्टेट, 24th स्टेट। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये है कहाँ गया, यस 56th में ये बोला गया, देखिए गोवा जो था ना, 12 अमेंडमेंट जो हुआ था ना उसमें क्या बोला गया था, उसमें पुर्तगालियों से छीन कर इंडिया का वो पार्ट बनाया गया, लेकिन वो उसमें UT था, तो अभी क्या है, अभी वो स्टेट है, तो स्टेट कब बना, स्टेट आपका बना 1987 में, कौन सा अमेंडमेंट,
56। अगर किसी स्टेट को यूटी बनाना है और यूटी से स्टेट बनाना है तो संविधान में संशोधन चाहिए। एक ही अलग से क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या स्टेट का अगर वो दर्जा का चेंज हो रहा है स्टेट से यूटी या यूटी से स्टेट, क्या अमेंडमेंट चाहिए? बिल्कुल चाहिए अमेंडमेंट। ठीक है, तो कौन सा स्टेट बन गया? ये 25वां स्टेट बन गया। ठीक है, 61st में ये है कि आपको 1989 में आता है और इसमें वोटिंग जो राइट है ना 21 था पहले, इससे पहले 21 से घटा कर 18 किया जाता है, बस इसमें और कुछ नहीं है। 69th में क्या है? 69th में ये आपका जो दिल्ली है ना, दिल्ली इसको एक अलग सा टैग मिल जाता है। कौन सा? तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, जब टैग मिलता है ना तो इसने किया, और एक चीज़ होता है लेकिन ये बात बताएंगे। NCT मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली का जो एरिया है, ठीक है, NCT इसमें मतलब दिल्ली का जो एरिया है ना वो भी आएगा और थोड़ा UP यानी गाज़ियाबाद भी कहाँ आता है? NCR में आता है। ठीक है, तो ये प्रोविज़न कब किया गया कि NCR में गाज़ियाबाद भी, गाज़ियाबाद तो इसे UP में आता है, तो NCR जब बोल रहे हैं ना NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब दिल्ली का भी एरिया है और जो आसपास का जो एरिया है। ठीक, क्यों? दिल्ली ऑलरेडी पहले बहुत छोटा था। दिल्ली छोटा मतलब इन सेंस बोल सकते हैं कि आपका कनॉट प्लेस भी मान सकते, कनॉट प्लेस। ठीक है, तो इसको बड़ा करने के लिए इधर से आपका हरियाणा का जो साइड है गुरुग्राम अभी भी बोलते हैं वो ऐड किया गया NCT में, इधर आपका UP ऐड किया गया। ठीक है, और सबको मिला के बोला गया NCT, आप जिसको NCR ही बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। इसी में आपका जो है ना, जब ये हुआ ना और उसी अमेंडमेंट में दिल्ली में भी इलेक्शन होता है, सबको मालूम है लेजिस्लेटिव प्रोविजन है। ये कब हुआ? तो 1991 में स्टार्ट हुआ था, 69th अमेंडमेंट एक्ट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 70 में क्या हुआ? 70 में ये हुआ, देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम आपको मालूम है कि यूटी के जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक, यूटी में जो भी मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी यूटी में जो है ना, जो लोकसभा काउंसिल्स के मेंबर होते हैं वही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी करते वो, लेकिन इसमें कोई लेजिस्लेटिव, इसमें कोई MLA नहीं होता है। जो MLA होता ही नहीं है तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, लेकिन MLA का जो प्रोविज़न है ना ये आपका पीछे आपका 69 वाले में हो चुका था। 70 वाले में ये रखा गया है कि जो भी दिल्ली और पौंडीचेरी है दोनों जगह पर लेजिस्लेटिव प्रोविज़न है, दोनों के जो मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड वर्ड हम यूज करें, इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो, नॉट नॉमिनेटेड। ठीक है, और जितने स्टेट हैं, जितने स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं करते हैं। उसी में आपका एड एक किया गया कि अब से पौंडीचेरी और दिल्ली यहाँ के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। ठीक है, 71st में आपका ये बोला गया कि जो 3 लैंग्वेज था ना, हम पीछे बोल चुके थे ना 14 लैंग्वेज, जो और 6 लैंग्वेज जोड़ा गया ना, तो पहले हम देख लें सिंधी, अब बाद में जो ऐड किया गया मणिपुरी, कौनकनी और नेपाली। मणिपुरी कहाँ? मणिपुर में। कौनकनी कहाँ? ये कहाँ बोला जाता है? ये गोवा में बोला जाता है। ठीक है, नेपाली आपको मालूम बिहार का जो अपर रीजन है वहाँ बोला जाता है। 73rd सबको मालूम है पंचायती राज सिस्टम ये है, इसी टाइम इसको इंक्लूड किया गया था, मतलब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में। ठीक है, लेकिन पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? 73rd अमेंडमेंट 1992 में। कौन से स्केड्यूल इसमें ऐड किया गया? इसी टाइम में 11th। ठीक है, इसके जस्ट बाद ही 12 शेड्यूल जोड़ा गया था, इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ अलग टॉपिक है, इसको हम इसका भी एक लेक्चर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, मेरा एग्ज़ाम पेपर है, नहीं तो हम डेली एक लेक्चर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 85th में क्या है? 85th में ये है, आपको मालूम होना चाहिए एक चीज़, ठीक है, कि जो SC ST है ना, SC ST को रिजर्वेशन तो मिला है, ठीक है, लेकिन SC ST की प्रमोशन के लिए, प्रमोशन के लिए अमेंडमेंट किया गया। हाँ, ये अलग बात है, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो प्रमोशन कर सकती है। ठीक है, अगर वो चाहे तो, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर सेंटर का कोई हाथ नहीं होता है। अगर स्टेट चाहेगी, अगर योगी चाहेंगे कि जो अपने यूपी में जो SC ST है, ठीक है, उनको प्रमोट किया जाए, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो चाहे जॉब का फील्ड हो, तो वो प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये नीड बेसिस पर है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो प्रमोशन के लिए जो रिजर्वेशन है SC ST के लिए 85th, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप लोग आंसर राइटिंग कुछ लिखते होंगे UPSC जो SC PCS के लिए, तो ये जो लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं कहीं वैल्यू एडिशन के लिए। हाँ, 86 में क्या है? 86 में ये बोला गया, देखिए आपको मालूम है कि आर्टिकल जो 921 है ना क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। इसी में एक आर्टिकल क्लॉज ए जोड़ा गया जिसमें ये बोला गया राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, फ्री नहीं एजुकेशन बोल सकते, लेकिन फ्री कहने इन सेंस मतलब ये जो 6 से 14 ईयर्स का जो एज है ना, जो स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होगा। किनको? स्टेट को करना होगा। ठीक है,
और इसी को ऐड किया गया किसमें, तो आर्टिकल 21 में किस फॉर्म में, राइट टू एजुकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो आर्टिकल 51A, आपको मालूम है कि 51A को ऐड कब किया गया, 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है, 42nd में। लेकिन उसमें सबसे पहले 10 ही प्रोविजन थे, जो 11वां जो प्रोविजन था, जो 11वां जो ड्यूटी था, उसको ऐड किया गया 86th वाले में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है 11वां कब किस में ऐड किया, 2002 में ऐड किया गया, तो बस इतना याद रखना 86th वाले में, ठीक है। चलिए सही है ना, 86, यस। 89 में क्या बोला गया, देखिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कमीशन, ठीक है, एक होता है SC, एक होता है ST, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, पल यही था, और यही जो था वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, दोनों का देख रहा था, प्लस OBC का भी यही देख रहा था, ठीक है, यही जो कमीशन था वही देख रहा था। लेकिन 2003 में इसको सेपरेट किया गया, किसको, सबसे पहले कौन सा बॉडी था, पहली ये बॉडी था, ठीक है, तो ए 338A, और इसको आर्टिकल में कौन सा रखा गया, आर्टिकल 338A। जब ये अलग हुआ ना, इसको कर दिया बी। NCBC बनता है बैकवर्ड क्लासेस कब, 102 जो आपसे हम पूछे थे, ठीक है, तो उसको बनाया गया 338C, ठीक है, यस। चलिए 92 अमेंडमेंट, इससे क्या बोला गया, देखिए इसमें स्केड्यूल 8 यानी कि जो शेड्यूल 8 है ना, उसमें जो लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, जो संविधान कितने लैंग्वेज मेंशन है, तो पहले हम देख चुके हैं, पहले हम 14 हम जो बोल चुके हैं, और बाद में ये आपका 4 हो चुका है, और आपका जो इधर 4 यहाँ पर है, तो हो गया टोटल 22। तो मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली कहाँ, मैथिली आपका बिहार में, संथाली झारखंड में, बोडो आपका बिहार में, नहीं सॉरी आसाम में, सॉरी सर, और डोगरी आपका हो गया हिमाचल प्रदेश के आसपास का जो एरिया वहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका 92 में, ठीक है। 95 में क्या है, 95 में ये है कि जो SC, देखिए जो SC और ST है, इसके लिए प्रोविज़न है किस चीज़ का, कि उनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन का एक्सटेंशन है। देखिए SC ST के लिए रिजर्वेशन जो है ना, वो लाइफ टाइम नहीं है, वो 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। हम लोग जब क्लास लेते थे हम एक प्लेटफॉर्म में, तो हम डेली, हम लगता है हर कुछ दूसरे दिन वो आता ही होगा कि SC ST के लिए 2020 तो आ चुका है, ख़त्म हो चुका है, 20 में फिर से ये अमेंडमेंट हुआ था, उसमें बोला गया कि फिर से 10 साल के लिए SC ST को एक्सटेंड किया जा रहा है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 96 अमेंडमेंट, जो 2011 में आया था शेड्यूल 8 में, इसी टाइम में कोई लैंग्वेज ऐड नहीं किया गया, लेकिन जो पहले हम लोग उड़िया बोलते थे, उड़िया, ठीक है, उसको उड़िया नाम दिया गया, यानी कि आर जो प्रोनाउंस करते थे उसको डी जोड़ा गया, ठीक है, आर में डी जोड़ा गया, ठीक है। 99th वाले में NJC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये किसके लिए था, आपको मालूम है ऑल इंडिया कमीशन होता है ना, ऑल इंडिया कमीशन मतलब क्या हुआ कि देखिए UPSC जो है ना ऑल इंडिया कमीशन है, मतलब UPSC जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको अपॉइंट करती है, अपॉइंट नहीं बोल सकते उसको, मतलब अपॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के थ्रू से। लेकिन जो NJC है ना, ये किसके लिए था, ये जुडिशरी के लिए था, जजेस के लिए था, ठीक है। उसके लिए कोई ऐसा मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसा काम मतलब कोई बड़ा कमीशन नहीं था, तो उसी के लिए बनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो है ना आपका काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव काम नहीं है, ये सरासर जो है ना आर्टिकल 50 का उल्लंघन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, NJC को कैंसिल कर दिया गया। NJC जो अमेंडमेंट है, इसको गवर्नमेंट संशोधन करके लाई थी, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया। जब ये कैंसिल हो गया तो ये कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, रिसेंटली का होता पूछ लिया जाता, लेकिन 2014 बहुत पहले ही बात है। 2015 में क्या हुआ, 100 में, देखिए सो इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता, टोटल यहाँ इम्पॉर्टेंट है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, तो बांग्लादेश के साथ, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या हुआ था इसमें, ये हुआ था बेसिकली, देखिए जब इंडिया, जब 1971 में जब वॉर हुआ ना, उससे पहले क्या था, जो इंडिया का कुछ साइट्स है ना, छोटे छोटे बोल सकते हैं एरिया, ठीक है, वो बांग्लादेश में थे, इंडिया के कम थे, ठीक है। और जो बांग्लादेश के जो था के जो एरिया थे वो यहाँ पर थे, यानी कि बांग्लादेश के कुछ रिलेटिव्स इंडिया में थे बॉर्डर लाइन में, और इंडिया कुछ रिलेटिव्स इधर थे, और ये दोनों लोग आपस में आना जाना मतलब एक्सचेंज करना चाह रहे थे कि हमको इंडिया में जाना है, नहीं इसके लिए अब यहाँ तक एक बॉर्डर लाइन है, इंडिया बांग्लादेश के बीच बॉर्डर लाइन है, अब इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको बहुत सारा मतलब यहाँ तो आर्मी रहती है ना बॉर्डर लाइन में, तो उससे गुजरना पड़ता, तो इसी को कम करने के लिए, और बांग्लादेश जो गवर्नमेंट वो भी फोर्स कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट को, ये आज का मुद्दा नहीं, नेहरू के टाइम का मुद्दा है, ये मोदी की गवर्नमेंट ना कि ये सॉल्व हुआ। हाँ, इंडिया थोड़ा नुकसान में हुआ, इंडिया को जो है ना बहुत सारा जो अपना एरिया है वो बांग्लादेश को देना पड़ा, और इंडिया बहुत कम ही एरिया ले पाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट।
किससे था? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। 101 इसमें क्या था? इसमें जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, आपका सबको मालूम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए बिल एक्ट ये बना था 16 में, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ? इम्प्लीमेंट आपका हुआ 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। सबसे पहला कौन सा कंट्री है जहाँ पर जीएसटी स्टार्ट हुआ? तो फ्रांस है। सबसे पहले कौन सा कंट्री है जहाँ वैट स्टार्ट हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स? फ्रांस है। 102 CAA, ठीक है। 102 102 में क्या है? देखिए ये अभी हम पीछे बोले थे ना, ये याद नहीं हो, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन बैकवर्ड कमीशन, यस। तो ये जो है ना, ये किसके लिए? ओबीसी के लिए, कि ओबीसी में कौन से कास्ट को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये चीज़ किस कौन देखेगा? तो एनसीबीसी देखेगा, ठीक है। और अभी इसमें ये बात रिसेंट, ठीक है, अभी रिसेंटली क्या मुद्दा उठ रहा है कि एनसीबीसी में जो भी लेयर है, मतलब जो दो टाइप्स के ये हैं, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एक लिमिटेड है कि एक जो एनुअल जो अर्निंग है, ठीक है, सैलरी है, उससे अगर ऊपर है तो आपका आ जाएगा नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, और जो नॉन क्रीमी लेयर उसको हटा के उसको जनरल में रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अगर ऐसा किया तब तो बहुत लोग ओबीसी से निकल जाएंगे। 103 में ईडब्ल्यूएस कोटा यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन का प्रोविजन। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप रिजर्वेशन जितना देना है दो, ओबीसी के लिए 27% है, ठीक है, और एससी एसटी मिलाने के बाद 49% हो जाता है, ठीक है। आप जोड़ लो कितना होता है इसका, ठीक है, तो 49% होता है जब ओबीसी एससी एसटी मिलाते हैं उस केस में। तो 49% सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 49 का जो लिमिटेशन है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब आप खुद सोचिए ना कि 49% यहाँ पर है प्लस 10% यहाँ पर है, 59%, ठीक है, कितना चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोली तो है, लेकिन मानने वाला कौन है? सरकार थोड़ी मानती है। और एक तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है ना, तमिलनाडु, ये अपने स्टेट में 61% रिजर्वेशन दे रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्शन नहीं ले रही है। चलिए नेक्स्ट, 104 लास्ट अमेंडमेंट, इसमें हम बोल चुके हैं कि इसमें एससी एसटी के लिए एक्सटेंशन का जो पीरियड है वो 10 साल है, उसमें और बढ़ाया गया, ठीक है, 10 साल इसमें और बढ़ा दिया गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।